बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सब्जेक्ट एंड द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ PHYS 4137। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था, द कोर्स आउटलाइन इंक्लूड द रिव्यू ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड देयर इंटरकन्वर्जन्स एंड बेसिक लॉजिक गेट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। इन द लास्ट लेक्चर we already discussed that what is binary, what is octal number system and what is hexadecimal system. The point was के decimal number system जो है वो computer use नहीं करते, इसी तरह octal number system computer use नहीं करते, hexadecimal number system computer use नहीं करते, binary number system जो है वो digital computers जो आजकल के हैं use करते हैं। सो हम बाइनरी नंबर को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करेंगे, इनकी इस इम्पोर्टेंस की वजह से कि कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर यूज़ करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद स्टडी करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि बाइनरी नंबर्स को क्यों यूज़ किया जाता है डिजिटल मशीन्स में, उसकी एक बड़ी वजह ये कि बाइनरी नंबर्स जो हैं वो 0-1 इलेक्ट्रिकल वैल्यूज़ को यूज़ करें, यानी कि 0 का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑफ एंड 1 का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑन हैं, यानी कि बाइनरी नंबर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीनरीज ऑन ऑफ ये बिल्कुल तकरीबन सेम, मतलब ऑफ का मतलब 0 और ऑन का मतलब 1, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को थोड़ा सा फैमिलियर, ऑन ऑफ के साथ फैमिलियर होता है बाइनरी नंबर। नॉइज़ वगैरह नहीं होता, मतलब जो सिस्टम में अगर कोई वोल्टेज कम हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, मशीनें कोई कम ज़्यादा या मशीनें जब ठीक से काम नहीं करती, तो डिजिटल सिस्टम में या बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई इस तरह से कोई नॉइज़ जनरेट हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ के डिजिटल सिस्टम में या कंप्यूटर्स या मशीनें चलती हैं या नहीं चलती, तो इसमें नॉइज़ वगैरह नहीं होता। डेटा ट्रांसमिट बड़ा आसान होता है, मतलब डेटा 0101 में आपने आगे भेज देना होता है और इसी से रिसीव करना होता है, तो इट्स वेरी इजी फॉर डिजिटल मशीन्स टू ट्रांसमिट द डेटा यूजिंग बाइनरी नंबर्स। और लास्ट में भी हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में भी, डेट बाइनरी सर्किट्स आर वेरी इजी टू बिल्ड। सो इनकी इस मेजर जो एडवांटेजेस हैं बाइनरी नंबर्स के हवाले से कंप्यूटर मशीनरीज को, तो इसकी बिना पर हम बाइनरी नंबर्स को थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस डेट व्हाट इज़ बिट मीन टू से अ सिंगल बाइनरी डिजिट, बाइट का मतलब होता है 8 बाइनरी डिजिट्स। अभी हम देखेंगे बाइनरी एडिशन को। स्टूडेंट्स, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम जो आम तौर पे हम यूज़ करते हैं इन द डेली लाइफ रूटीन, जिनमें हम एडिशन भी करते हैं, सब्सट्रैक्शन भी करते हैं, जैसे कि 2+2=4, 4+4=8, ये डेसिमल नंबर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम में जिस तरह हम एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऐड टू बाइनरी नंबर्स, इसको अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाइनरी एडिशन इज़ वेरी सिंपल, लेट्स डू एन एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल करते हैं जिससे हमें एडिशन का मज़ीद पता चल जाएगा।
बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एग्ज़ाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि बाइनरी नंबर में जो वन होता है, जैसे आम डेसिमल नंबर सिस्टम में हम वन प्लस वन इक्वल टू टू कर देते हैं, टू प्लस टू इक्वल टू फोर हो जाता है। इसी तरह इन बाइनरी नंबर सिस्टम वन प्लस वन इक्वल टू, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है टू का, वन ज़ीरो। सो द इन बाइनरी नंबर सिस्टम इफ़ यू वांट टू ऐड वन एंड वन, वन प्लस वन इक्वल टू वन ज़ीरो, जो कि डेसिमल में टू के इक्वल होता है। इसी तरह इफ़ यू वांट टू ऐड वन ज़ीरो एंड वन ज़ीरो, हाउ कैन वी ऐड दिस टू, अब देखें स्टूडेंट्स, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ये तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, एंड वन प्लस वन ये हमारे पास क्या आएगा, वन ज़ीरो। तो इस तरह से इफ़ यू वांट टू ऐड टू नंबर वन ज़ीरो एंड वन ज़ीरो, तो इसका आंसर आएगा वन ज़ीरो ज़ीरो। इसी तरह अगर हम ऐड करें वन वन और वन ज़ीरो को, तो कैसे ऐड करेंगे हम, वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू, वन प्लस ज़ीरो क्या होता है वन, एंड वन प्लस वन क्या होगा वन ज़ीरो। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हमारे पास थ्री बिट नंबर हो, लेट्स सपोज हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास थ्री बिट डाटा है, वन प्लस वन प्लस वन, इसको हमने जो प्लस ऐड करना है जी वन ज़ीरो ज़ीरो, इस बाइनरी नंबर में ऐड करना चाह रहे हैं। हाउ कैन वी ऐड दीज टू नंबर्स, वन 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 एंड वन ज़ीरो ज़ीरो, इसको हम ऐड कैसे करेंगे, वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन, उसके बाद वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन एंड वन प्लस वन इक्वल टू वन ज़ीरो। तो इस तरह से हमारे पास जो बाइनरी, इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। सो वी कैन ऐड टू बाइनरी नंबर लाइक दिस। इसी तरह अगर हमारे पास दो बाइनरी नंबर हों, वन 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 एंड वन ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, हाउ कैन वी ऐड दिस टू नंबर्स, इन दो नंबर्स को ऐड करने का वही तरीका है, वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन, वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन, वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन एंड वन वन, वन प्लस वन इक्वल टू वन ज़ीरो। सो दिस इज़ द आंसर इफ़ यू वांट टू ऐड दिस टू नंबर्स। सिमिलरली लेट्स डू एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू ऐड वन 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 ज़ीरो वन एंड वन ज़ीरो वन वन वन, वही प्रोसेस होगा जैसे हमने किया वन प्लस, हाँ एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, अगर हमें वन प्लस वन करना है, हमें पता है कि वन प्लस वन होता है वन ज़ीरो, तो जो वन ज़ीरो है ना, वन ज़ीरो
जैसे हम 1+1 10 होता है, हम क्या करेंगे 0 यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 1 है ये कैरी चला जाता, फिर 1+1+1 ये हम यहाँ पे लिखेंगे, सो 1+1+1 इक्वल टू 1 1, सो दिस इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट इफ़ यू वांट टू ऐड दिस टू नंबर्स। लेट्स कम टूवर्ड्स द मेन पॉइंट, सेंड 1+1 इक्वल टू 10 होता है, 0 यहाँ पे हमने लिखा और 1 कैरी चला गया। इसी तरह अब हम इसको ऐड करेंगे, 1+0+1, ये 1+1 बाइनरी नंबर्स में क्या होगा, 10 होगा। 10 में 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 अगेन कैरी चला जाएगा। उसके बाद 1+1+1 हम इन तीन को ऐड करेंगे, 1+1+1, तो इनको जब हम बाइनरी में 1+1+1 करते हैं तो आंसर आता है 1 1, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया और 1 चला गया अगेन कैरी। अब 1+1 हम करेंगे, 1+1 क्या होता है 10, यानी कि 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 अगेन कैरी चला गया। अब इसी तरह ये कैरी जो है इसको हम ऐड करेंगे इस 1 में +1, तो ये 1+1+1 ये अगेन 1 1 आएगा, 1 हमने यहाँ पे लिखा और 1 मज़ीद आगे चला गया। नाउ 1+1 अगेन 0, 1 अगेन कैरी चला गया और ये 1 हमारे पास यहाँ पे ऐसे आ गया। तो इस तरह से हम एक बाइनरी नंबर को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एग्जांपल फ्रॉम आवर रेफरेंस बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो। इसके चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन 1.2 पेज नंबर 5, इसमें आप देखें एक एग्जांपल है एडिशन की, 1011011 इसको +1001111 में ऐड किया। इसको कैसे ऐड किया, नाउ 1+1 इक्वल टू 10, 0 यहाँ पे आया, 1 कैरी गया, नाउ 1 कैरी, 1+1 इक्वल टू अगेन 10, 0 1 कैरी गया, 1+1+1 11 होता है, 1 यहाँ आ गया अगेन 1 कैरी गया, 1+1 10 होता है यानी कि 0 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी गया, कैरी वाला 1+0+0 1 आ गया और 1+1 10 आ गया। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर लेते हैं, सो दिस इज़ द बाइनरी। इस तरह हमने अभी बाइनरी एडिशन को समझा, इसी तरह हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते, बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन मतलब दो बाइनरी नंबर को ऐड करना होता है, इसी तरह बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हम किसी भी दो बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले अभी मैं आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के सब्ट्रैक्शन जो है वो रिवाइज़ करवाता हूँ, बिकॉज़ के डेसिमल सब्ट्रैक्शन से हम सारे ही फैमिलियर हैं, तो पहले थोड़ा सा हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद बाइनरी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। लेट्स डू एन एग्जांपल बाइनरी नंबर सिस्टम के सब्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल ले रहा हूँ। तो लेट्स डू एन एग्जांपल, वी हैव द नंबर, फर्स्ट कर लेते हैं 225। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 225,
हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करना। तो हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 9 इंटू 225? कैसे सब्ट्रैक्ट करते थे हम? सिंपल, हम एक बोरो लेते थे 7 वाले डिजिट से और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते। कैसे करेंगे? ये 5 में से तो 9 नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से एक बारो लेंगे। 2 में से जब एक हम बारो लेंगे तो 2 की जगह एक बच जाएगा, और जब ये एक बारो यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 15। अब ये 5 नहीं, अब ये 15 रह गया। 15 में से 9 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे क्या बचता है? 6। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 रह गया। दिस इज द आंसर। सो 225 माइनस 9 किसके इक्वल आता है? 216। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम इस तरह से बोरो करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द बाइनरी नंबर सिस्टम। के बाइनरी नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? बिल्कुल इसी तरह से। लेट्स डू एन एग्जाम। नाउ लेट्स डू एन एग्जाम्पल दैट हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 10 हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 100? कैसे कर्सिंग करेंगे? सिंपल, 0 में से तो 1 नहीं हम निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके साइड में से हम एक बारो लेंगे। अब साइड पे 0 है तो क्या करें, उसके जो लेफ्ट साइड पे है वो हम बारो लेंगे। जब 1 को हम बारो लेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 10 बन गया। 10 हो जाता है 2। 2 में से आगे एक बारो लिया तो ये 10 बन गया, और यहाँ पे क्या रह गया? 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया था? 0। तो 10 माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास 1 बच गया। 1 माइनस 0 1 एंड दिस विल बी 0। सो दिस इज़ द, तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स डू एन अनदर एग्जांपल। इफ़ वी हैव द नंबर 110 एंड वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस नंबर, देन व्हाट विल वी डू? वही करेंगे जैसा हमने पहले किया। देखें, 0 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बारो लेना पड़ेगा। यहाँ पे था 1, जब ये 1 अगले डिजिट की तरफ बारो चला गया तो अगला डिजिट तो 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे अब ये 0 रह गया। तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये यहीं पे 0 रह गया और ये 1। सो इफ़ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 110 देन द आंसर विल बी 101। अब हम एक, लेट्स वी हैव एन एग्जांपल ऑफ 4 बिट नंबर। एक 4 बिट नंबर है 1100। वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द नंबर 1011 फ्रॉम 1100। हमें इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट दिस टू दिस? वही फार्मूला। स्टूडेंट्स कभी 4 बिट से परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। सेम, देखें, 0 में से तो 1 नहीं निकल सकता, इसी तरह 0 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ से एक जो है वो बारो लेना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 1 है, हमने 1 है, जब हम इस 1 को आगे बारो लेंगे तो यहाँ 10 रह गया और यहाँ पे क्या रह गया? 0। तो अब ये 10 है और यहाँ पे भी हमें एक
बोरो चाहिए, तो 10 में से अगर 1 यहाँ पे बोरो, तो यहाँ 10 में से क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। सो 1-1 इक्वल टू 0, 1-1 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या रह गया, 0। क्या मुझे अब यहाँ से बोरो लेना है? नहीं, क्योंकि मुझे 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 0-0 इक्वल टू 0 एंड 1-1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एग्जांपल ऑफ 4-bit नंबर। लेट्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। हमें इसमें से ये ऊपर वाला, ये वाला जो नंबर है, इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर? इट्स वेरी सिंपल। अब देखें, ये 0 है, ये 1 है, हमें 0 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह ये 0 और ये 1, यहाँ से भी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले नंबर से एक बोरो लेना पड़ेगा। सो लेट्स डू दिस एग्जांपल। हमें यहाँ पे एक बोरो चाहिए, जो कि हम पिछले नंबर से लेंगे। यहाँ पे भी हमें एक बोरो चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 1 है, अगर ये 1 हमें आगे बोरो लेना है, तो आगे तो 10 रह गया और ये क्या बच गया, 0 रह गया। तो ये 10 था, जब 10 में से 1 आगे बोरो गया, तो यहाँ पे 1 रह गया। तो जब आगे 1 बोरो गया, तो ये 10 बन गया, ठीक है। इसके बाद सिंपली हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ 10-1 इक्वल टू 1, 1-1 इक्वल टू 0। ये 0, क्या मुझे पीछे से कोई बोरो लेना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये 0 है और ये भी 0। 0-0 इक्वल टू 0। नाउ 1-1 इक्वल टू 0। सो वी हैव द आंसर। सो जैसा कि अभी हमने किया, 1100-1011 इक्वल टू 0001। सो ये सारा बाइनरी डिजिट्स में। सो लेट्स डू अनदर एग्जांपल। हमारे पास एक नंबर है 10111, ये हमें दूसरे नंबर 1001101 में से सब्ट्रैक्ट करना है। हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर? वही इस वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। देखें, 1-1 0, इसको तो हमें कैरी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रही है। लाइक 1-1 इक्वल टू 0। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें पीछे से एक कैरी लेना पड़ेगा। पीछे ये 1 लिखा होगा, हम यहाँ से इसको एक कैरी लेते हैं। जब ये 1 कैरी जाएगा, तो पीछे क्या बच गया, 0, आगे बन गया 10, ठीक है। अब ये 10 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो पीछे बच गया 1। अब ये देखो, यहाँ पीछे 0 बचा हुआ था, 0 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिजिट को बोरो लेना पड़ेगा। ये देखें, ये पीछे से बोरो आ गया, ये 0 था, अब ये 10 बन गया और पीछे क्या बच गया, 0। तो ये बोरो यहाँ पे आया, तो ये बन गया 10-1 इक्वल टू 1। इसी तरह यहाँ पे 0 बच गया,
अब क्या मुझे ये ज़ीरो के लिए पीछे से कोई बोरो लेना पड़ेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ज़ीरो में से ज़ीरो ही मुझे ज़ीरो में से ज़ीरो ही सबट्रैक्ट करना है ना, तो पीछे जो है वो ज़ीरो बचा हुआ है, ज़ीरो में से वन को सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, तो पीछे मुझे बोरो लेना पड़ेगा। अब पिछला डिजिट भी ज़ीरो है तो मुझे यहाँ से बोरो चलाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से मैं बोरो लूँगा ये इस डिजिट पे, ये बन गया 10। अब 10 से एक फिर यहाँ पे बोरो आ गया, ये 10 में 1 बच गया और आगे 10 बन गया, 0 था ना, तो ये 10। सो 10 माइनस 1 इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे 1 बचा हुआ था, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे 0 बच गया था तो 0 अगर लिखें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी इट्स ओके। सो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 110110, यानी कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 10111 फ्रॉम 10011101, सो वी गेट 110110। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि हमारी रेफरेंस बुक जो है वो है डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो, सो लेट्स डू एन एग्जांपल फ्रॉम आवर रेफरेंस बुक। सो रेफरेंस बुक में चैप्टर नंबर 1 एंड पेज नंबर आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 में, दिस इज़ द एग्जांपल 101101, इसमें से हमें 100111 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स डू दिस एग्जांपल, सो लेट्स डू दिस एग्जांपल। जैसा कि हमने देखा इस एग्जांपल में 101101 में से 100011 को सब्ट्रैक्ट करना है, 101101 में से 100111 को सब्ट्रैक्ट करना। हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट दिस नंबर्स? इट्स वेरी सिंपल, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम एक बोरो लेंगे 10 यहाँ से, यहाँ पे रह गया 0, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 1, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हम पीछे से एक बोरो लेंगे तो ये बन जाएगा 10 और यहाँ पे रह जाएगा 0, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 1, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, अगेन 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, एंड 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो द आंसर इज़ 000110। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 बिट डिजिटल बाइनरी नंबर में से 6 बिट डिजिटल बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। दिस इज़ द एग्जांपल फ्रॉम रेफरेंस बुक चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 5, ये देख सकते हैं हमने ये वाली एग्जांपल जो है वो परफॉर्म किया, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया। इसी तरह हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि बाइनरी जैसा कि हमने बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था कि बाइनरी एडिशन को समझने के लिए हमने डेसिमल एडिशन को देखा, डेसिमल नंबर सिस्टम के एडिशन को देखा। इस तरह बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमने पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के सब्ट्रैक्शन को देखा। इसी तरह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल वैसे होती है जैसे हम आम तौर पे डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसा कि हम आम तौर पे भी करते हैं कि इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई 12 by 2 इन डेसिमल सिस्टम, व्हाट विल बी डू, देन 2 multiplied by 2 इक्वल टू 4 हो जाता है, एंड देन 2 multiplied by 1 इक्वल टू 2। सो इस तरह से हम एक सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये सिंगल डिजिट ना हो, लेट्स सपोज वी हैव 2 digit नंबर लाइक
1. So how can we multiply these two number? The same, 2 multiplied by 2 equal to 4, and then 2 multiplied by 1 equal to 2. एंड इसी तरह से अब हम इसको लेते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 2, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1 होगा. तो इस तरह से अब 1 2 है, अब हम इसको ऐड कर देंगे. नाउ दिस विल बिकम 4, 2 plus 2 is equal to 4, and this is 1. So this is the answer. Okay, इसी तरह अगर हम, so let's come towards the main example. We have the number 10111, and this number have to multiplied by 1010. So it's same as जैसा कि हमने पहले किया है, बिल्कुल वैसे ही हम multiply करेंगे. जैसे कि मैंने यहाँ पे भी mention किया है कि binary multiplication is much the same as decimal multiplication, except that the multiplication operations are so much simpler. मतलब ये जो operation decimal binary में हम करते हैं ये ज़्यादा simple होता है उससे भी. So हम multiply करते हैं, multiplication decimal वाली भी है, ही होती है. जैसे decimal में हम 0 को multiply 0 से करें तो answer 0 ही आता है, इसी तरह अगर हम 0 को 1 से multiply करें तो answer 0 होगा. 1 is multiplied by 1, then the answer will be 1, and 1 is multiplied by 0, then the answer will be 0. तो ये rules हमें वही रखने हैं. So let's start it. Now 0 multiplied by 1 equal to 0. Now then 0 multiplied by this 1 equal to this 0. Again this 0 multiplied by this 1, this will be 0. Again this 0 multiplied by this 0, again 0. Now this 0 multiplied by this 1 equal to 0. Similarly, अब दूसरे डिजिट की तरफ आते हैं. अब इस डिजिट को हमने इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना. नाउ दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1. नाउ दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 इक्वल टू दिस 1. नाउ दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1 इक्वल टू 1. अगेन दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, दिस विल बिकम दिस 0. और इस 1 को मल्टीप्लाई करें इस 1 से तो हमारे पास ये 1 रह जाता. ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले इस डिजिट को मल्टीप्लाई किया पूरे नंबर से, जैसे कि ये. इसी तरह इस डिजिट को मल्टीप्लाई किया पूरे नंबर से, ये आ गया. इसी तरह अगले डिजिट को फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे नंबर से, और फिर इसको हम तीसरे स्टेप से स्टार्ट करेंगे. लाइक दिस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 0, दिस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 equal to 0. Now this 0 multiplied by this digit equal to 0. Now this 0 multiplied by this equal to this 0. Again this 0 multiplied by this 1 equal to 0. तो इसी तरह हम आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर से. Now this 1 multiplied by 1 equal to 1. This 1 multiplied by this 1 equal to again 1. Now this 1 multiplied by this 1 equal to again 1. Now this 1 multiplied by 0 equal to 0.
इसी तरह दिस वन इक्वल मल्टीप्लाइड बाय दिस वन इक्वल टू दिस वन। बस ये जहन में रखना कि जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट के नंबर के साथ, पहले हम ये अगले डिजिट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वन स्टेप पीछे से हमने लिखना शुरू करना है, और इसी तरह अगले स्टेप से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन स्टेप मज़ीद पीछे जाएंगे। इसी तरह इस डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वन स्टेप मज़ीद आगे चले जाएंगे। तो अब जैसे कि डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में हम करते थे, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ऐसे लिखा, अब हम इनको ऐड करेंगे। सो ज़ीरो नीचे कुछ भी नहीं है, सो ज़ीरो को ऐसे ही हम लिख लेंगे। नाउ ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू, देखें वन। नाउ ज़ीरो प्लस वन प्लस ज़ीरो इक्वल टू, ये देखें वन आ गए। उसके बाद ज़ीरो प्लस वन, वन हो गया, वन प्लस ज़ीरो वन। नाउ वन प्लस वन क्या बचता है, ज़ीरो वन। ज़ीरो यहाँ पे लिखा हमने और ये वन जो है वो कैरी के लिए चला जाता है। नाउ वन कैरी वाला, वन प्लस ज़ीरो वन। नाउ वन प्लस दिस ज़ीरो वन। नाउ वन प्लस दिस ज़ीरो इक्वल टू वन। नाउ वन प्लस दिस वन अगेन विल बिकम वन ज़ीरो। तो वन ज़ीरो में से ज़ीरो हम यहाँ लिखेंगे और वन अगेन जो है वो कैरी चला गया। अब कैरी वाला वन प्लस दिस वन, ये वन ज़ीरो हो गया। वन ज़ीरो प्लस वन, वन वन बन गया। वन प्लस कैरी वाला वो जो वन था ये वन वन बन गया। वन वन में से वन हमने यहाँ लिखा और वन जो है वो कैरी चला गया। अब एक कैरी वाला वन, इसको हम ऐड करेंगे इस ज़ीरो में, तो कैरी वाला वन प्लस दिस ज़ीरो वन। नाउ दिस वन प्लस दिस ज़ीरो वन, सो वन, और ये वन ऐसे ही हमने लिख लिया। सो दिस इज़ द आंसर। अगर हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रूल वही है कि इफ़ ज़ीरो इज़ मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो दैन दिस विल बिकम ज़ीरो, एंड इफ़ वन इज़ मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो दैन इट, या ऐसे कह लें कि ज़ीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो रह जाएगा और वन मल्टीप्लाइड बाई वन इक्वल टू वन रहता है। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Now let's do an example of multiplication of binary number from our reference book Digital Design by Morris Mano. Fifth edition book है, इसमें chapter number 1, page number 5 and section 1.2 से हम ये एक example कर रहे हैं multiplication की। That we have to multiply 1011 with 1011. How can we multiply these two number? The process is the same as we already discussed that. Now this one is multiplied by this one, that is 1. Now this one multiplied by 1 equal to 1. Now this one multiplied by 0 results 0. Now this one multiplied by 1 again 1. So come towards the next step, next digit 0. अब ये जो ज़ीरो है ये इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई वन इक्वल टू ज़ीरो। नाउ ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई अगेन वन ज़ीरो। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो ज़ीरो। ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई वन अगेन ज़ीरो। तो इसी तरह अगेन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर से। नाउ दिस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस वन इक्वल टू वन। Now this one multiplied by this one equal to 1, this one multiplied by 0 equal to 0, and this one multiplied by 1 equal to 1. So ये book में लिखा है इसको partial product, ये अभी partial product है। तो हम इन partial products को add करेंगे तो हमारे पास complete product आ जाएगा। तो add कैसे करना है, now 1, 1 plus 0 equal to 1, now 0 plus 0 plus 1 equal to 1, अगेन वन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो वन होता है, वन ज़ीरो होता है। ज़ीरो ये गया, वन कैरी गया, वन कैरी वाला प्लस ज़ीरो इक्वल टू वन, और ये वन ऐसे लिख लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस एग्ज़ाम्पल इज़ फ्रॉम आवर रेफरेंस बुक। तो इस तरह से हमने बाइनरी एडिशन को देखा,
उसके बाद बाइनरी सब्ट्रैक्शन को देखा, उसके बाद हमने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को देखा। तो स्टूडेंट्स, आप एज अ रेफरेंस बुक जो है वो मॉरिस मैनो फिफ्थ एडिशन डिजिटल डिज़ाइन जो है ये बुक देखेंगे, और इसकी कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो आप इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये बुक में पेज नंबर 20 पे भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एडिशन की, जैसे कि डेसिमल में 4 + 5 = 9 होता है। अगर इसी के इक्वलेंट हम बाइनरी में करें तो ये बाइनरी कोड डिजिट है 4 बिट्स का, और ये 4 बिट का बाइनरी कोड डिजिट है 5 का, इनको ऐड करेंगे तो ये 1009 = ये आ जाता है 9। इसी तरह 4 + 8 करेंगे तो 12 आता है डेसिमल में, और अगर यही एडिशन हम बाइनरी के सिस्टम में जाके करेंगे तो बाइनरी में 4 को लिखता है 0100 और 8 को लिखेगा 1000, तो इसका जो एडिशन करके आता है ये हमारे पास 12 बनता है। तो इस तरह से हम एडिशन करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल जो हमने अभी किया, जिसमें लिखा हुआ ऐड एंड मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग देम टू डेसिमल। हमें इनको बगैर डेसिमल में कन्वर्ट किए पहले ऐड करना है और फिर इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, इस एन असाइनमेंट फॉर यू डैट यू हैव टू ऐड 1011 to 101। इसको पहले ऐड करें, आंसर आप निकालें, और उसके बाद आपने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकालना है। सो दिस इज़ ये कुछ मज़ीद क्वेश्चंस दिए हुए इस एक्सरसाइज में, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।